हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एट कंचन्स फैशन वी क्रिएट हाई फैशन स्टेटमेंट गाउन्स, स्कल्प्टेड ड्रेप गाउन्स, डिजाइनर ड्रेसेस एंड सुररियलिस्टिक अटायर्स एक्सक्लूसिवली फॉर यू। आज के वीडियो में मैं आपको वायर्ड हार्ट फ्लैप डिजाइनर गाउन की मेकिंग दिखाऊंगी, विच इज टू मच इन ट्रेंड राइट नाउ। इस तरह का गाउन क्रिएट करने में जो सामान की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। हमें चाहिए कैन टेप, सिक्विन फैब्रिक, नेट फैब्रिक, थिक नायलन वायर, असॉर्टेड सरोस्की सीक्वेंस कटदाना, अब जो हम फ्लैप तैयार करने वाले हैं उसके साइज के हिसाब से हम वायर को कट कर लेंगे। अभी इस गाउन के लिए मैं 50 इंचेस का फ्लैप बनाने जा रही हूँ, तो 15 से 20 वायर हम अपनी फ्लैप की विड्थ के हिसाब से 15 से 20 वायर 50 इंचेस में कट कर लेंगे। उसके बाद फ्लैप की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से हम नेट को भी काट लेंगे। सपोज 50 इंचेस का फ्लैप है और हमने उसकी जो विड्थ है वो 8 इंचेस रखी है, तो लगभग डबल से बड़ा 17 इंचेस विड्थ और 50 से तो 2-4 इंच बड़ी लेंथ को फ्लैप काट लेंगे। और इसके बाद हम अपने गाउन की चोली यानी कि बॉडी कट कर रहे हैं। ऊपर हम नेट का योक ले रहे हैं और बाकी बॉडी एंड घेरा इज ऑफ सीक्विन। 50 इंचेस साइज के रिक्वायर्ड आपकी विड्थ के हिसाब से, जितनी फ्लैप की विड्थ रखनी है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वायर्स काट लिए जाएंगे। और अब जो ये मेन काम है, जो कि सच में जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल, सफाई और टाइम नीडेड होता है, वो है वायर्स को नेट में सिलना। और ये कट रहा है हमारे गाउन का औरेब घेरा। औरेब घेरे में कमर पे गैदरिंग नहीं आती, चुन्नट नहीं आती, तो उसकी वजह से कमर पे वॉल्यूम कम आता है और फॉल बहुत अच्छा आता है। तो जिनकी कमर कम है और हिप्स हैवी हैं, उनके लिए औरेब घेरा ही बेस्ट होता है, क्योंकि कमर पे गैदरिंग नहीं आती, एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं आता और फॉल बहुत अच्छा आता है। इट मेक्स देम लुक थिन। और अब सेम और एक घेरा हम सीक्विन वाले फैब्रिक पे काटेंगे। अगर हम सीक्विन की जगह नेट लेते तो फिर हम नेट पे काटते, और नेट पे हम घेरा थोड़ा ज़्यादा रखते तो थोड़े से गैदर्स नेट पे अच्छे लगते हैं, और नेट के गैदर्स बिल्कुल भी फूलते नहीं हैं और वॉल्यूम नहीं देते। अब हमारे गाउन की चोली सिल के रेडी हो गई है। हमारी क्लाइंट को स्लीव्स चाहिए थी, उसमें तो हमने नेट की स्लीव्स दी है और जो कि फ्लैप के अंदर छुप भी जाएंगी। सेकेंडली, नाउ वी आर गोइंग टू सेट द फ्लैप। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या जो डिज़ाइन हमने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हम फ्लैप को सेट करेंगे, बाद उसको हाथ से टाका जाएगा और मजबूत किया जाएगा। और यहाँ पे तैयार हो रही हैं गाउन की मैचिंग टेसल्स, जो कि हम स्लीव्स को हाइड करने के लिए लगाएंगे, क्योंकि स्लीव्स ऐसे गाउन पे बहुत अच्छी नहीं दिखती हैं, तो उनको हाइड करने के लिए और उस पर निश देने के लिए हम ये मैचिंग टेसल्स बना रहे हैं गाउन की, विच इज़ अगेन हैंडमेड एंड वेरी मच टाइम टेकिंग।
जब हमारे यहाँ कोई भी ड्रेस या गाउन रेडी किया जाता है तो उसकी हर छोटी छोटी एक्सेसरी एंड डेकोरेशन इन हाउस कस्टमाइज की जाती है टू गिव द कंप्लीट निश एंड जस्टिफिकेशन टू दैट पर्टिकुलर डिज़ाइन एंड कलर। क्योंकि मार्केट में रेडीमेड टेसल्स और डिज़ाइंस और डेकोरेशन मिल तो जाते हैं बट दे आर ऑफ मे बी गोल्डन सिल्वर और ब्लैक जनरल कलर्स। दे कैन नॉट बी ऑफ सेम कलर मैचिंग टू योर पर्टिकुलर ड्रेस और नीड। और उसके बाद जो एप्लीक हमने सेट किया था, जो डिज़ाइन हमने सेट की थी, वो पूरी हाथ से टाकी जाएगी। एंड मे वी पुट कैन कैन इन द गाउन। नाउ द गाउन इज रेडी फॉर द ट्रायल। हमारे क्लाइंट को उसमें स्लीव्स चाहिए थी तो हमने एक साइड न्यूड स्लीव दी है और दूसरी साइड स्लीव पे एप्लीक वर्क सेट किया है। शी जस्ट वॉन्टेड टू लुक थिन एंड ब्यूटिफुल इन दिस गाउन। ये इनके बेटे का पहला बर्थडे का फंक्शन है। पोस्ट डिलीवरी शी हैज़ पुट ऑन वेट, तो इनका एक ही क्राइटेरिया था कि मैं पतली लगूँ गाउन में, मोटी ना दिखूँ। सो यू कैन लुक एट हर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फेस।